पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने मंगलवार को देहरोड इलाके से एक 38 वर्षीय आईटी कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने बताया कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश और मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन बम धमाके से उड़ाने के प्लान को लेकर उसने ही पुलिस को जानकारी बताई थी, लेकिन जांच के बाद अब उस शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने अपराधी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरोड पुलिस ने इस मामले में मनोज अशोक हांसे नामक 38 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो देहरोड इलाके के क्रांति चौक गणेश कॉलोनी सोसाइटी के कनक नामक बिल्डिंग में सन 2016 से अपने माता पिता के साथ रहता था। मनोज एक आईटी इंटरनेशनल कंपनी के लिए नौकरी भी करता था, लेकिन फिलहाल वर्क फ्रॉम होम के चलते उन्होंने अपने घर से ही अपना ये काम जारी रखा था, जहां साल 2020 में पारिवारिक अनबन के चलते मनोज की पत्नी भी उसे तलाक देकर उससे अलग हो गई थी। बचपन से ही ज्यादा बड़ी आवाज को लेकर मनोज को काफी परेशानी होती थी। अपने काम के दौरान उनके अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चों के शोर शराबे से भी मनोज काफी परेशान हो चुका था, इसलिए अब उन्होंने उन बच्चों के समेत उनके माता पिता को सबक सिखाने के हेतु पुलिस हेल्पलाइन के 112 नंबर पर फोन करते हुए ये बताया कि उसी सोसाइटी के एक फ्लैट में कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की साजिश रचा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर दाखिल होते हुए मनोज से पूछताछ की। तब पुलिस को यह एहसास हुआ कि मनोज झूठ बात कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही मनोज को हिरासत में लेकर उससे सारी हकीकत पता कर ली, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आज अभी पिंपरी चिंचवड़ आयुक्तालय के माननीय आयुक्त सर और सह आयुक्त सर, इन्होंने सब पुलिस स्टेशन को ये बता दिया है कि डायल 112 को जो भी कॉल आता है वो कॉल में जो संबंधित पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल्स हैं उन्होंने 10 मिनट के अंदर रिस्पांस उनको उधर जगह पे जाके देना चाहिए। जो आज सब मार्शल्स को MDT दिए गए हैं उस पर कॉल टाइम, ये कॉल लोकेशंस वगैरह सब आते हैं, तो 10 मिनट के अंदर अगर रिस्पांस नहीं किया तो उनको एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। 4 तारीख को ऐसे ही देवरोड पुलिस स्टेशन के एरिया में कनक रेसिडेंसी करके एक बिल्डिंग है, उधर फ्लैट नंबर 501 में एक बंदा रहता था, मनोज अशोक हंसे। ये जो बंदा है ये IT इंजीनियर है, हैदराबाद के कैपजेमिनी कंपनी में नौकरी करता है, अभी 2 महीने से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। उसके फ्लैट के ऊपर के फ्लैट में 601 में एक फैमिली रहती है, उनके छोटे छोटे 6 साल के 2 बच्चे हैं, तो वो बच्चे खेल रहे थे सुबह सुबह, तो उसका आवाज़ नीचे आ रहा था, इसलिए इस बंदे ने तत्काल उधर पुलिस बुलाने के लिए ऐसा झूठा फेक कॉल कंट्रोल को दे दिया 112 डायल 112 को, तो तुरंत देवरोड मार्शल उधर पहुंची। पहुंचने के बाद जब सब पूछताछ करने लगे तो इसको पता चला कि अभी ये हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पुलिस के साथ अरेरावी करके उनको धक्का मार के गाड़ी में बैठ के वो चला गया। तो जब ऊपर के फ्लैट में भी हम लोगों ने पूछताछ की या सब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि इन्होंने फेक कॉल दिया है। तब उस सीनियर्स लोगों को हमने बात करके उन्होंने बोला कि ऐसा फेक कॉल जो देते हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर धारा IPC 353 और 177 के तहत गुना दाखिल किया गया है, उसको अरेस्ट भी किया गया है और अभी वो मैजिस कस्टडी में है। फेक कॉल इस तरह था कि हमारे ऊपर के फ्लैट में बम तैयार करने का काम चालू है और ये लोग बॉम्बे रेलवे स्टेशन जो सभा होने वाली थी 5 तारीख को था दादर के यहाँ पे शिवाजी पार्क वहाँ, और माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को बम से उड़ाने वाले हैं, ऐसा बहुत ही गंभीर ऐसा एक कॉल उसने किया था। तो ये बहुत गलत बात है इस तरह से पुलिस को बुलाने का, तो आप कोई भी कॉल करेंगे तो पुलिस आपको 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स दे देगी। मेरा सभी
भाई बहनों को और जिनको जिनके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आता है या संकट आता है, उन सबको यही आह्वान है कि जो भी आपको अड़चन है, जो भी आपको पुलिस मदद चाहिए, वो जो एक्चुअली है वही आप डायल 112 को कॉल करके बताइए, जिसके तहत तुरंत आपको मदद भी मिलेगी और झूठा कॉल कंट्रोल को किया इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होगी। पुलिस को बुलाने के लिए झूठा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका कॉल रहेगा तो 10 मिनट के अंदर वही जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो जुरिडिक्शन है, वो जो मार्शल है, वो वहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट करेगा।